Swatches girls, welcome back to my channel It's Makeover Tym और मैं हूँ अर्पिता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सैनिटरी नैपकिन्स का रिव्यू। यस गाइज, ये एक बोल्ड टॉपिक है और इससे पहले मैंने इस तरह के टॉपिक को पिक नहीं किया हुआ है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर नहीं की है अब तक चैनल पर, बट इन फ्यूचर आप इस तरह से रिलेटेड और भी वीडियोज देखेंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पी सेफ के पैंटी लाइनर्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स का। यस, पी सेफ एक वेल रिनोन्ड ब्रांड है जो कि वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर्सनल केयर से रिलेटेड इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इंडियन मार्केट में। एंड मैंने काफ़ी तारीफें सुनी हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं एंड मैंने सुना है कि वो काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। सो दिस टाइम आई एम ट्राइंग दिस वन एंड ये एक ट्रायल पैक है। इसमें मिलते हैं आपको टू पैंटी लाइनर्स, वन रेगुलर सैनिटरी पैड एंड वन इज फॉर ओवरनाइट पैड। सो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के हैं ये। इस तरह की कार्डबोर्ड आउटर पैकेजिंग में आते हैं ये, ग्रीन एंड वाइट। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे क्लेम्स मेंशन किए हुए हैं एंड स्पेसिफिकेशन, बट मैं आपसे कुछ खास बात शेयर करना चाहूँगी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है इसे लेने और ट्राई देने में एंड आपसे शेयर करने में। ओके, सो ये बने हुए हैं 100% ऑर्गेनिक कॉटन से। यस गाइस, जो भी इनमें कॉटन यूज़ किया हुआ है वो 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी आर्टिफिशियल कॉटन इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर नैपकिन्स में क्या होता है, या तो वो 100% कॉटन यूज़ करते हैं या फिर सिंथेटिक मिक्स्ड कॉटन होता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एलर्जी होती है, कुछ इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट इसमें 100% ऑर्गेनिक कॉटन है एंड इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री नैपकिन्स हैं ये। एंड एंटी बैक्टीरियल भी है, सो किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ का इसमें चांसेस नहीं है। एंटी बैक्टीरियल होना काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली मानसून सीजन में भी काफ़ी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, तो ये उन्हें प्रिवेंट करेगा जर्म्स एंड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को। एंड अगर लॉन्ग टाइम तक आपको यूज़ करना पड़ जाता है इनको, तो भी आप विदाउट एनी डाउट इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर विथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। एंड सबसे ज़्यादा खास बात जो मुझे इसकी लगी वो ये है कि ये इंडिया के फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हैं। यस, बायोडिग्रेडेबल से आप समझ ही गए होंगे कि ये नेचुरली डिकम्पोस्ट हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेंस्ट्रुअल वेस्ट निकलता है एवरी मंथ, यू नो गर्ल्स, ये हमारी ज़रूरत भी है। एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी पी सेफ की ये पहल, ये इनिशिएटिव, कि उन्होंने 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स लॉन्च किए हैं। एंड आपको तो पता ही है प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा बना हुआ है हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई देंगे तो पसंद आएंगे आपको। और अगर हम अपने लेवल पे, अपने स्तर पर कुछ अच्छा कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इन तरह के प्रोडक्ट्स को ट्राई देना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए। पैक में मेंशन किया हुआ है इट इज़ विद बैम्बू कोर, सो यस, ये बैम्बू फाइबर से बने हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा लीकेज से प्रोटेक्ट करता है, आप लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हैवी ड्यूटी पैड्स है ये। एंड दो पैक मैंने ऑर्डर किए थे, एक मैं ट्राई दे चुकी हूँ और इसके पहले भी मैं पी सेफ के पैंटी लाइनर्स यूज़ कर चुकी हूँ जो मुझे ग्लैमिगो बॉक्स में मिले थे और मुझे काफ़ी पसंद आए। एंड इसमें भी मुझे मिल गए थे टू पैंटी लाइनर्स, सो एक बॉक्स ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, ट्राई दिया हुआ है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़, क्योंकि मैंने ट्राई दिया हुआ है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर पा रही हूँ। एंड एक और डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और जो स्पेसिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं वो है लीक प्रूफ, सो यस, लीक प्रूफ है ये। एंड इसमें साइड विंग्स भी है तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, जो इसे रैश फ्री बनाता है, अदरवाइज विदाउट विंग तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, रैशेज भी हो जाते हैं। एंड क्लोरीन फ्री, सो यस, ये क्लोरीन फ्री है। आप अदर सैनिटरी नैपकिन्स पैड्स या पैंटी लाइनर्स देखते हैं तो वो अल्ट्रा वाइट होते हैं, उनमें क्या यूज़ किया हुआ होता है, जो भी इसमें कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं उनमें क्लोरीन ब्लीच यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा वाइट दिखते हैं। एंड आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोई भी ब्लीचिंग एजेंट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लाइक क्लोरीन ब्लीच, तो ये ऑफ वाइट या डल वाइट कलर में आपको मिलेगी सैनिटरी नैपकिन्स। फ्रेग्रेंस फ्री है ये, जैसा कि मैंने आपसे बताया एंटी बैक्टीरियल है। एंड इट इज़ विद इंडिविजुअल डिस्पोजेबल बैग्स इंक्लूड। एंड इस बॉक्स के साइड में भी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इट इज़ FSC सर्टिफाइड, यस, ECF एलिमेंटल क्लोरीन फ्री, सो ये क्लोरीन फ्री भी है, मैंने आपसे शेयर किया है। एंड कुछ लोगों को क्या होता है कि इचिंग, इरिटेशन या इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से, एलर्जी हो जाती है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। सो इसमें क्लोरीन ब्लीच यूज़ नहीं किया हुआ है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इसके आउटर पैकेजिंग से लेके एवरीथिंग बायोडिग्रेडेबल है, आप नेचुरली डिकम्पोज कर सकते हैं। और लास्ट में जो मेंशन किया है इट इज़ कंपोस्टेबल, यस, और जो इसका आउटर पैकेजिंग है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दिस बॉक्स इज मेड फ्रॉम 100% रिसाइकल्ड पेपर। एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की एंड इसका जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़ इस ट्रायल पैक का।
एंड आपको पी सेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको नायका और अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ये 75 रुपीज का है, बट आपको इजिली ये डिस्काउंटेड प्राइस में 63-65 रुपीज के अराउंड तक मिल जाएगा। इस बॉक्स को ओपन करने पर इस तरह के 3 स्मॉल बैग्स मिलते हैं एंड दीज आर रिसाइक्लेबल डिकम्पोजेबल बैग्स, जो कि काफी अच्छी बात है। इस तरह से ये रैप्ड होते हैं आपके पैंटी लाइनर्स या फिर सैनिटरी नैपकिन्स जो है इस तरह से, तो आप इन्हें इजिली कैरी कर सकते हैं अपने हैंड बैग में, स्कूल बैग में, ऑफिस बैग और कॉलेज बैग में। तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये एंड काफी अच्छी तरह से रैप्ड है, तो ये सेफ रहेंगे, जंग फ्री रहेंगे ये बिल्कुल भी। इसमें कहीं से भी डस्ट वगैरह जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो फर्स्ट है पैंटी लाइनर्स, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इस तरह के हैं ये और इसमें मिलते हैं आपको 2 पैंटी लाइनर्स और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से ये रैप्ड है। इस तरह के हैं ये, सो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सो इस तरह के आइए, काफी स्मॉल सा है एंड काफी स्लीक सा है, आप कंफर्टेबली इसे वेयर कर सकते हैं। एंड इसके लास्ट में, इसके बॉटम में इस तरह से स्टिकर लगा हुआ है, आपको इसे पील करना है इस तरह से, नॉर्मल जैसे पैड्स आप यूज करते हैं आपको जस्ट उसी तरह से इसे यूज करना है। सो इस तरह से है ये। ओके, अगर आपको नहीं पता पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे और कब यूज किया जाता है, तो मैं ब्रीफ में आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको डाउट है, आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, जस्ट आपको डाउट है, तो आप एक प्रॉपर पैड यूज करने की बजाय पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसे यूज करना है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी फ्लो में नहीं होता, काफी लाइट फ्लो होता है, तो पैंटी लाइनर्स उन्हें सर्वाइव कर ले जाते हैं। जब प्रॉपर फ्लो हो तो आप एक रेगुलर पैड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब पीरियड्स एंड हो रहे होते हैं तो काफी लाइट फ्लो होता है, तो उस टाइम पर भी आप पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। या अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो डेली बेसिस पे आप पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स काफी एप्रोप्रिएट होते हैं। यूज करने के बाद इन पैंटी लाइनर्स को या पैड्स को आपको जो साथ में मिला है डिस्पोजेबल बैग, इसमें प्लेस कर देना है एंड थ्रो कर देना डस्टबिन में। स्पेशली जब भी आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हो, वहाँ पे डस्टबिन होती है, अगर आप डायरेक्टली इन्हें थ्रो कर देते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड अनहाइजीनिक भी हो जाता है काफी ज्यादा, दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी। सो इस तरह के है ये। नेक्स्ट है, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एंड इसमें एक स्मॉल बुकलेट मिलती है इस तरह की, जिसमें लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में एंड हाउ टू यूज और किस तरह के आपको इसमें प्रोडक्ट मिले हैं इस तरह से। एंड इसके बैक में इसके कुछ अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है लाइक दिस। 180 mm लेंथ है इन पैंटी लाइनर्स की। ओके, जो नेक्स्ट मेरे पास वो है रेगुलर यूज के लिए पैड्स, जो कि नॉर्मल फ्लो अगर हो रहा है तो आप इन्हें विदाउट एनी डाउट यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे हैं नॉर्मल फ्लो के लिए। और इस तरह के ये रिसाइकलेबल डिस्पोजेबल बैग में आते हैं ये भी, इस और तरह का है ये। साइड विंग्स है, आपको ये टेप जो है वो रिमूव कर लेना है एंड जो इसके बैक में स्टिकर है वो भी रिमूव कर लेना है, देन सेट कर लेना है अंडरवियर और पैंटी में जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं। सो विंग है तो काफी अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। जो आप देख रहे हैं इसकी टॉप शीट वो है 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बनी, बैम्बू कोर है इसमें, बैम्बू फाइबर्स यूज किए हुए हैं। इन विंग्स की वजह से ये टर्न और ट्विस्ट नहीं होता, जो साइड से लीकेज का प्रॉब्लम होता है वो काफी अच्छी तरह से ये प्रिवेंट कर लेते हैं। काफी ज्यादा सॉफ्ट है, अल्ट्रा थिन है ये, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा थिन है ये। तो अगर आपने टाइट ड्रेस पहना हुआ है लाइक हिपस्टर्स अगर आपने वेयर किया हुआ है या बॉडीकॉन ड्रेस, तो आपकी ड्रेस पर से ये बिल्कुल भी जज नहीं होंगे, तो आप कंफर्टेबली इन्हें वेयर भी कर सकते हैं, काफी सेफ है ये। एंड जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है ओवरनाइट सैनिटरी नैपकिन। सो इस तरह से है ये एंड काफी लॉन्ग है ये एंड काफी थिक भी है। और बेसिकली ये डिजाइन किया हुआ है अगर आपको हैवी फ्लो होता है एंड ओवरनाइट क्या होता है, जब हम सो जाते हैं हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है अदरवाइज कि बार बार चेंज ना करना पड़े, तो हैवी ड्यूटी पैड है ये भी और आप इसे नाइट टाइम पे यूज कर सकते हैं। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूं अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब करते हैं लॉन्ग शिफ्ट होती है आपकी तो भी इस तरह के पैड्स आप यूज कर सकते हैं, बार बार आपको चेंज करने की नीड नहीं होगी। सो इस तरह के ये साइड विंग्स के साथ है, ये भी काफी थिन है और हैवी ड्यूटी है यस, तो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लीडिंग को ये। एंड तीनों ही काफी अच्छे हैं, चाहे इनके पैंटी लाइनर्स हो, चाहे इनका जो रेगुलर पैड हो या चाहे ओवरनाइट पैड हो। सो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी काफी अच्छी है इनकी, लीक प्रूफ है ये। ओके, नाउ फाइनल वर्ड्स फॉर दिस प्रोडक्ट। रिव्यू से आपको पता चल गया होगा कि मुझे कितना ज्यादा पसंद आया ये प्रोडक्ट और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस प्रोडक्ट को, आपको एक बार ट्राई देना चाहिए एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा और आप भी इसे कंटिन्यू करेंगे मेरी तरह। प्राइस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, इसके जो भी पैकेजिंग है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। एंड अगर आपके साथ प्रॉब्लम है लाइक यूरिन इन्फेक्शन का या फिर वाइट डिस्चार्ज है काफी ज्यादा,
तो ड्यूरिंग पीरियड्स आपको इस तरह के सैनिटरी नैपकिन यूज करने चाहिए जो कि ऑर्गेनिक कॉटन से बने हुए हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, एंटी बैक्टीरियल हो एंड जो इनकी एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, ये ब्लीडिंग को काफ़ी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लीक प्रूफ है, रैश फ्री है ये एंड काफ़ी अच्छी तरह से ये ड्राई रखते हैं अफेक्टेड एरिया को जहाँ पर भी आपने इसे अप्लाई किया हुआ है। सो इस तरह के ये सैनिटरी नैपकिन के, सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया सो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग अपलोड्स। So, see you in my next video. Till then, bye-bye.